أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سورة بقرة سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلا سورہ سورہ بقرہ جس میں سب کچھ اجمال اختصار کے ساتھ سارے مضامین سارے مقاصد دین کے شریعت کے قرآن کے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, مگر اختصار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نہیں. سورہ بقرہ کے بعد ہر چیز کی تفصیل آتی رہتی ہے. سورہ بقرہ جو ہماری تقسیم میں قریب قریب تیسرا پارہ نصف تک چلے جاتا ہے, تیسرے پارے کی ابتدا تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض منہم من کلم اللہ منہم من کلم اللہ, یہ منہم من کلم اللہ کی تفسیر ہے آج کی آیت. منہم من کلم اللہ کی دوسری بات, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استعداد و صلاحیت ہیں ان کے لیے منتخب فرمایا. ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے دنیا کے انسانوں کے لیے, دنیا کے انسان اس کو پہلے یہ مانے جو تم سے اللہ کا پیام اور بات بتا رہا ہے یہ کون ہے, اس کے بتانے میں اس کی ذات سے اس کی شخصیت سے اس کی انفرادی حالت سے کوئی لینا دینا نہیں. تمہارے سامنے موجود تم میں کا ایک انسان ہے, تمہارے سامنے موجود تمہارے جیسا کلام کرنے والا دیکھنے والا چلنے پھرنے والا کھانے پینے والا انسان ہے, تاکہ انسان مانوس ہو کے, لیکن وہ انسان جو کچھ کہہ رہا ہے جس وقت تم سے وہ کہتا ہے بتاتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے, کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, نظر اس کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں نظر اللہ کی ہوتی ہے, لان ڈپٹ اس کی ہوتی ہے اس کی زبان سے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس حقیقت کو سمجھانے منوانے کے لیے ہر نبی کے لیے لازمی شرط ہے, عقیدے میں بھی یہ رکھنا ہے, پورے دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے, عقیدے کی بڑی طویل تفصیل ہے. تقاریر تو روز مرہ ہمارے اپنے محل کے لحاظ سے, شاید کوئی بھی مسجد خالی نہیں ہوگی, کبھی ایک سے زائد مرتبہ مختلف عنوان سے مختلف ٹائٹل لے کر نشان امتیاز لے کر سب کے سب جڑ کر اللہ کے کلام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر ہی وضاحت چلتی ہے. چلنا ہے الگ بات ہے, لیکن بات چیت جو ہوتی ہے جو تفصیل جو ہوتی ہے
मखसूस नमाज का उन्वान है, नमाज पढ़ना है, यकीनन पढ़ना है। सबसे पहले सुतून के बाद दूसरा सुतून है, सबसे पहले सुतून के बाद दूसरा सुतून है, ऐसे पांच कड़ियां हैं। पहले सुतून के बगैर दूसरा सुतून कोई माना और मतलब नहीं रखता। उसके बाद उसी तरतीब से सुतून है रोजा। फिर अल्लाह ताला ने अता किया दुनियावी एतबार से चीजें, माल और दौलत की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो। तीसरा, चौथा, फिर आखिर में हज वाली की बात आती है। जिहाद भी फर्ज थी मक्के के फतेह तक, सूरत इस्लाम के पूरे छः सतून थे। मक्के के फतेह के बाद उसकी फर्जियत को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर उसके बाद फर्ज आइन जाकर फर्ज किफाया हो गया, क़यामत तक कायम, और बाकी है वक्त ज़रूरत पर। रमज़ान आता है तो रोज़ों के मुताल्लिक सदका तो खैरात की बात आती है तो उसके मुताल्लिक बात, जब छिड़ जाती हज वाली तो उसके मुताल्लिक वजाहतें, तफसीलें, तौर तरीक़े, तरबियतें, इन तमाम की बुनियाद सबसे पहले सुतून पर है। इबादतों का तसव्वुर कभी ख़त्म नहीं हुआ दुनिया में, और आज भी सारी कौमों के पास इबादतों का मफ़हूम ख़त्म नहीं है। तरीक़ा और फिक्र अलग अलग है। हर कौम, भले उसने बुनियाद रस्म रिवाज के ऊपर रख ली हो, किसी भी बुनियाद पर हो, किसी ने इबादत को ढंग दे दिया चीखने चिल्लाने का, अल्लाह ने उनको फरमाया, अल्लाह ने कहा सूरह अनफाल में, वमा कान सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाउं व तस्दिया। उनके तरीक़े इबादत को सलात का लफ्ज़ी करार दिया, नमाज का लफ्ज़ी करार दिया कुरान ने। अजय मुशरिकों का, ये काफिरों का, ये बुत परस्तों का, बस इबादत और नमाज के तसव्वुर अकीदे के साथ। क्या थी इताअत और इबादत? सीटियां बजाना, चीखना चिल्लाना, नाचना, नारे कसना, लेकिन उसको भी इबादत का नाम देकर, मजहब का नाम देकर। तो इबादत का तस्वीर हर एक के पास। नमाज का जो तरीक़ा हमारे लिए भी है, इस किस्म का तरीक़ा पिछली उम्मतों में किसी के लिए नहीं रहा, मगर नमाज रही। पूरे इनमा के साथ कुरान की तिलावत भी नमाज है। दीन शरई तरीक़े के साथ पूरी तरह खुलूस नीयत के साथ मस्जिद की खिदमत में भी लगना, ये भी इबादत है। मस्जिद नबवी के झाड़ू देने वाली को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो नमाज में है, फरमाया था कि सिर्फ झुकने उठने का नाम ही नमाज नहीं है। आपने कर लिया तर्जुमा नमाज, अरबी और कुरान और हदीस में सलात है। सलात है, आपने तर्जुमा कर लिया सलात नमाज का, और ये तर्जुमा गलत है, ये नहीं बता रहा। उर्दू के अंदर उतना पहलू है भी नहीं उसके अंदर, उसके माना को घेरने का। खुद मिन अमवालिम सदकतन तुताहिरहुम वतुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ज़कात लेकर आते हैं अल्लाह की राह में, आपके उम्मती आप कबूल कीजिए, खुद ले लीजिए आप,
लेकर तकसीम करना है। वो तुज़क्कीहिम बिहा, या आप उनसे गुसूल कीजिए, गुसूल करके उनको पाक कीजिए। उसके बाद के जो लफ्ज़ नहीं, सल्ली अलैहिम, जो जो ला कर जरा ले रहे उसके पास सलात पढ़िए आप, तो क्या नमाज पढ़िए, दुआ दीजिए, सलात के माने सिर्फ दुआ कहें, सलात के माने दुआ कहें, सलात के माने नमाज पढ़ने के हैं, सलात के माने इस्तिग़फ़ार करने के हैं। अलगरस हर पैगंबर को अल्लाह ताला इम्तियाज दिए, पहले नबी की शनाख्त और पहचान हो। सारे नबी पयाम नबुवत में एक, सारे मुसलमान ईमान के एतबार से और यकीदे में देखें ईमान में सब बराबर, फिर ईमान के बाद ईमान के तकाजों में जुड़े रहना, उसके लिहाज से मरातिब में दर्जात में अलग 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 अलग, ईमान में सब बराबर, अदना मुसलमान, मुतवस्सित इंसान, आबिद दर्जे का, जाहिद दर्जे का, मुत्तकी दर्जे का, विलायत पर फायज दर्जे का, ये अकीदे वाली बात है। सारे अकायद के बाद अमल है, झगड़े अकायद की बुनियाद पर है, अमल की बुनियाद पर नहीं। तकसीम भी फिरका बंदी की अकीदे की बुनियाद, अकीदे की कड़ियों की बुनियाद पर है, अमल की बुनियाद पर नहीं। चलो इतने झगड़े कर रहे हैं कि यानी मुस्लिम बिरादरी को जो मुनकसिम है, चलो इन झगड़ों के अंदर क्या किसी ने तो भी हमको बेनिफिट देना था? चलो हमारी टीम में आ जाओ, हम पांच की जगह फजर माफ कर देते हैं आपको, या फजर ईशा माफ कर देते हैं आपको, रमजान के 30 रोजों में इतनी छूट देते हैं हम आपको, नौज़बिल्लाह ऐसा तो है ही नहीं। पांच नमाजें बराबर बुनियाद, 30 रोजे बराबर बुनियाद, ज़कात के हिसाब किताब में बराबर बुनियाद, हज की फर्जियत और तरीकों के अंदर बराबर बुनियाद, कहीं का इख्तलाफ है? उसूल में कोई भी तो अलग नहीं, ये फुरूई चीज़ों के अंदर ये क्या चीज़ है? यहाँ तक है कि नफरत नमाज जुमा के शरायत किताबी अंदाज में आप पढ़िए, जुमे की नमाज होती कहाँ उसके शरायत में। एक तो इजाज़त ममलकती एतबार से हो, फलां फलां उसके मुतालिक दूसरे पहलू निकाले हैं, गालिबन यही मसला आज के मुनसिफ के अंदर इसको बुनियाद बनाकर इस मसले की वजाहत दी है, वो बहस करना नहीं है। जुमे के सही होने के शरात में से जुमला मिन जुमला एक शर्त है, इज़्ने आम हुक्म होना, तू मेरी मस्जिद में नहीं आना ये इशारा भी नहीं होना। आप तो सर्वे कीजिए मस्जिद हैदराबाद में, बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड होता है मस्जिद की शनाख्त के लिए, ये मस्जिद फलां, ये मस्जिद फलां, मस्जिद चप्पल बाजार, मस्जिद मस्तान, ये तो नाम रहेंगे। लेकिन दूसरे इख्तलाफी अकीदे की बुनियाद के ऊपर नाम है, ये बोर्ड क्या बताता है आप? इससे जुड़े हुए तो आप नमाज पढ़ना, नहीं तो इस पर ख़दम नहीं रखना। फिर इज़्ने आम कहाँ से हुआ, वगैरह वगैरह, ये मसाइल पे मुझे जाना भी नहीं, छेड़ना भी नहीं। अलगर्स फिर दावा, कुरान भी कहता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून,
इतने गुरु बंदियों में होते चले, हरे का दावा सीना तना कर बड़े खुश और मस्त हैं। सूर्य का आपने फरमाया, यह सबूना अन्न हूँ यो सिनू ना सुना, जो कर रहे सबसे अच्छा हमीज कर रहे होगा हिसाब। दावा फिर भी है, क्या करना ये वजाहत नहीं कर रहा, क्यों है ये वजाहत नहीं कर रहा। हकीकत को जानना, पढ़ना कुरान सबसे ज्यादा उसी अकीदे वाली चीज की इस्लाह करता है। कुरान जो 6000 से ज्यादा आयते हैं, उसूल इस्लाम की बुनियाद पर सिर्फ 500 कुरान की आयतें हैं, जिसमें पूरा का पूरा दीन इस्लाम उसके अहकाम और मसाइल पर बहस है, जो सैकड़ों हजारों सफात पर मुश्तमिल जो किताबें कलम बंद हुई हैं, और सिर्फ 500 के अंदर अदद में आयतें, उसी से पूरे दिन की वजाहत और तफसील है। तो पूरे 6000 आयतें जो बखिया बचे हुए हैं वो क्या हैं, जबकि कुरान के एक लफ्ज़ का भी एक पहलू का भी इनकार नहीं करना है, शक नहीं करना है, हर चीज़ पे यकीन रखना है। तो अकीदे की जिस तलाह है, इसी की इसलाह, इसकी सही समझ के ऊपर अब उसके बाद नमाज की सेहत है, रोज़े की सेहत है, उसके ऊपर अजर व सवाब का तायुन है, अजर व सवाब का तायुन उसके ऊपर है। मक्के की 13 साल ज़िंदगी में कोई हुक्म नहीं दीन इस्लाम की बुनियाद के ऊपर, कत्ल गारतगिरी हुई, नबूवत वाली ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 23 साल, मक्के के 13 साल, मदीने के 10 साल, मक्के के 13 साल में 10 साल गुजरने के बाद मेराज होती है, नमाजों की फर्जियत होती है। नमाजें थी इस तरीके से नहीं थी, 5 नहीं थी, उससे पिछले जुड़ी हुई जो शरीयत थी, जब तक हुक्म नहीं आया था अल्लाह का, उस शरीयत पर इस्तेमाल, शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जो नमाज फजर की शक्ल होती थी और असर की सुबह एक शाम में, तरीक़ा ये नहीं। मेराज हुई फजर के वक्त से पहले आप तशरीफ लाए, 5 नमाजें फर्ज हुई, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, लेकिन फजर नहीं पढ़ी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म मिला माने, सिखाना बताना तरीका अल्लाह ताला का, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज कर नमाज पढ़वाया अल्लाह ने, नमाज का तरीका सिखाया। 2 दिन तक 5 नमाजें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई, जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखते थे, आप लोगों को जमा करते चलते थे, पहले दिन अव्वल वक्त में, दूसरे दिन आखिर वक्त में, ताकि हर नमाज का वक्त इब्तिदा इंतहा पता चले। जिब्रील अमीन इमामत करते थे, उनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर कर आप सहाबा की इमामत करते थे, नमाज का ऐसा पढ़ना सिखाया अल्लाह ताला ने बताया, ऐसा पढ़ना, रुकू ऐसा होना, सजदा ऐसा होना, फुला ऐसा होना, अल्लमाहु शदीदुल कुवा, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बवास्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम सिखलाया बतलाया। ये मौजूआत अलग है आज की आयत से,
लेकिन अकीदे वाली चीज हर नबी को अल्लाह ताला ने एक खास इम्तियाज बख्शा है। फजलना बाज़म अला बाज़ तिलकर रसूल, ये तमाम रसूलों को हमने एक दूसरे को किसी ना किसी चीज़ से एक नुमाया कर कर बताने वाली चीज़ के साथ जोड़ दिया है, जो दूसरे नबियों को भी उससे नहीं, नौयत बदल कर। और जितने अंबिया के नाम अलैहिस्सलाम उसको मौजज़ा कहते हैं, यानी कुदरत से ताल्लुक़ है उसका, कायनात की कोई चीज़ मिलकर कर नहीं सकती। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा दिया, वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात, हमने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए, इम्तियाज़ के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ज़्यादा दिए मूसा अलैहिस्सलाम। और जितने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए, सारे के सारे मौजज़ात शक्ल बदल बदल के, नौयत बदल बदल के हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दिए, नौयत बदल के, ताकि वो इम्तियाज़ बाकी रहे, ताकि वो इम्तियाज़ बाकी रहे। कोशिश करके जमा किया, जमा करने वालों ने, आपके उम्मतियों ने 3,000 तक की गिनती में लेकर गए हैं, 3,000 की गिनती तक, उससे भी ज़्यादा सैकड़ों बल्कि हज़ारों सफ़ात तक बहस चली हुई है, खुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यहाँ पर जो खुसूसियत जो जिक्र है, तिल कर रुसु फजलना बाज़ मला बाज़ मिन हूँ मन कल्लम अल्लाह, उन फजीलत दिए गए पैगंबरों में से कोई एक पैगंबर ऐसे भी गुजरे हैं देखो, जिनसे अल्लाह ताला ने रास्त कलाम फरमाया है, जबकि हर नबी से कलाम फरमाया अल्लाह ताला बिलवास्ता बिलवास्ता। सारे वास्ते हटाकर एक पैगंबर को ये फजीलत दी है, और ये शक्ल बदल कर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रास्त बात मेराज की शक्ल में बुलाकर फरमाए, शक्ल बदले, रास्त कलाम फरमाया है, मेनू मन कल्लम अल्लाह। वो वजाहत थोड़ी सी, वो वजाहत थोड़ी सी आज के इस आयत में अल्लाह ताला कलाम फरमाए। कई चीज़ें हुई, सैकड़ों सफात की इस पर बहस है, 2-4 सतर से हटकर मैं कहूँगा भी नहीं, वो पेचीदगियों में जाना भी नहीं, आपको जा सकते हैं, उसके उसूल और फुरू की दुनिया से आप आगे बढ़ना, उसके लिए अपने अंदर एक कैफियत पैदा करना, यानी इस फील्ड में अपने आप को दाखिल करना, तैयार होना, मेहनत करना, उसमें हम सर सरी सुनना और निकलना चलना, फिर अपने इसमें लगे रहना। तर्जुमे से थोड़ी सी इशारे तो मिल सकते हैं, कल के इसमें जिक्र हुआ था, अल्लाह ताला कलाम देने के लिए, तौरात देने के लिए बुलाए थे, जो थोड़ी सी तफसील गुजरी थी, अभी बात आगे है। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्रर किए हुए वक़्त के ऊपर, मीकात वक़्त मुकर्रर किया हुआ, वक्त से मीकात, वज़न से मीज़ान, वक़्त से मीकात, हरबुन से मेहराब तरीक़ा बनता है, वक़्त मुकर्रर किए थे, जगह मुतय्यन किए थे, अल्लाह ताला उस जगह आए, शराइत दिए थे, शराइत की तकमील किए, 40 दिन के रोज़े रखे, रोज़ों की जो शान थी जिसमें ना इफ्तार ना सहरी,
24 अवर्स का घंटा रोज़ा, जिसमें कुछ इफ्तार की इजाज़त, जो इस इब्तदा इस्लाम में भी, दीन इस्लाम में भी वैसा ही रोज़ा रहा, वैसा ही रोज़ा रहा। रहमतुल आलमीन के तुफैल में अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए सूरज के तुलू से गुरूब तक के लिए रोज़ा मुकर्रर कर दिया। पारे दो में उसकी वजाहत और तफसील गुजरी, वरना पूरी उम्मतों के लिए रोज़े का मतलब है कि पूरे 24 घंटे का नाम रोज़ा, न खाने का नाम सोचना भी नहीं, खाने का ना पीने का, उसमें कुछ देर के लिए इफ्तार था। लेकिन इनकी तफसील में जो तफसीलात मिलती हैं, ना इफ्तार ना सहरी, इसको दुश्वार और मुश्किल समझने वाली बात नहीं। उसके बारे में कल वजाहत की जा चुकी। जब ये बात हो गई, वकल्लमहु रब्बुहु, तो अल्लाह ताला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उसको बुलाए थे, पहली बार नहीं बुलाए थे, जब नबुवत दिए तो उसी मकाम पर दिए थे, तौरात पहाड़ के पास, वहाँ भी कलाम हो चुका था, कलाम हो चुका था, कलाम होता रहा। ये इम्तियाज शान किसी को अल्लाह ने अता नहीं किया। वकल्लमहु रब्बुहु, तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने से उनके रब ने कलाम फरमाया। यहाँ अकीदे वाली बहुत सी बातें हैं। कुरान पढ़ेंगे, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, तो क्या अल्लाह ताला कलीम हैं, कलाम फरमाते हैं? हाँ कलीम है, इसलिए नाम भी रखते हैं अब्दुल कलीम, कलीमुल्लाह। आपने इन दुनिया के अंदर देखा, कलाम करने वाले सिर्फ इंसान हैं, कलाम हर एक का है, इंसान को इंसान का कलाम समझने करने की ताकत है। वअल्लिमना मंतिक़त तैर वउतीना मिन कुल्ली शय, तफसील आएगी अगले पारों में। चूंटियों के कलाम को भी सुनने की समझने की ताकत पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अता फरमाया था, उनके लिए मौजूदा था, वहाँ वजाहत आएंगी। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र तस्बीह करती है, कुरान जगह जगह कहता है, लेकिन ऐ इंसानों, तुम्हें उतना इल्म फिक्र फहम नहीं है जो उसकी हकीकत को समझ सके। लेकिन ऐसी बात हकीकत है, होता है, चंद मौजूदात की शक्ल में बता दिया कि देखो हुआ है, ताकि तुम उलझन में भी ना रहो। अब यहाँ अकीदे वाली चीज़ यह है, इंसान कलाम करता है, इंसान कलाम करता है, कहाँ से करता है, क्या आँख से बोलता है, कान से बोलता है, हाथ से बोलता है, जबान को इस्तेमाल में लाता है, जबान से कलाम करता है। मुंह से बात करता है, फिर अल्लाह ताला कैसा कलाम करता है? इंसान को कलाम करने के लिए एक आले की ज़रूरत है, एक आले की ज़रूरत है। इंसान को कलाम करने के लिए वर्ड्स की, हरूफ की ज़रूरत है, फिर लैंग्वेज अलग अलग अलग। वाकिदा तफसील में जाना तो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वक़्त लगाना पड़ेगा। मुख्तसर जानना ये है, अल्लाह ताला कलीम हैं, कलाम फरमाते हैं, उन्हें किसी हमारे कलाम के जैसा नहीं। हम बग़ैर आले के बात नहीं कर सकते, बग़ैर हुरूफ के कलाम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला इसके मोहताज नहीं।
तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, आवाज़ इधर से आई तो फौरन आप इधर मुड़ते, इधर से आई तो इधर मुड़ते, तो आवाज़ की भी एक रूट होती है, एक जहत होती है। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम की जहत नहीं, अल्लाह ताला के कलाम की जहत नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम कर रहे थे तो हर तरफ से एक जैसी कैफियत सुनाई, जैसा ना यूँ देख सकते ना इधर सकते, इधर से आ रही इधर से, ये कैफियत। उसका रूट नहीं, ऐसा समझाया तो नहीं समझाने वालों ने, लेकिन ये बात जब छिड़ी तो एकदम ठंडे इसमें आप चले जाएं, ठहर जाएं, तो आपको ठंडक कहाँ से आ रही? ठंडक इधर से महसूस हो रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, टांग से भी, कान से। उसका एक रूट तो पकड़े हैं, गर्मी है, हरारत बाहर निकले, चल इधर से गर्मी है तो ऐसा रोक लो भाई, इधर से आ रही तो ऐसा रोक लो, ऐसा आ रही तो ऐसा रोक लो, मगर हर तरफ से जो महसूस हो रही है, मगर चीज तो एक ही है। तो जब ये बात हुई कि हर तरफ से कोई रुख नहीं अल्लाह ताला के आवाज़ की, जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किए, वो इसकी नौयत कुछ ऐसी थी। फिर आगे ने पूछना, क्या हुरूफ की शक्ल में बोले क्या? नहीं, वो कलाम नफ्सी है, ये हमको हुरूफ की शक्ल में है, हम इसको अल्लाह कलामुल्लाह कहते हैं। इसी अकीदे की बुनियाद पर बीसों सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ, मजहब इस्लाम में बस अकीदे के इख्तलाफ पर। लेकिन अल्लाह तबारकुल्लाह कदीम अजली कुछ नहीं, वही सब है, वही कुछ नहीं होगा वही होगा। जब आपको मानते हैं आपकी एक कैफियत में नहीं, पहले वजूद नहीं था अब है, पहले जो कैफियत थी वो नहीं आज वो है, आज जो वजूद है कल नहीं रहने वाला है। अल्लाह की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके साथ है वो नहीं होने वाली है। जब वो कदीम है, खय्यूम है, हय्यून है, उसकी हर सिफत भी बाकी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो ख़त्म होने वाली बात नहीं। वो जो असल है उसको कलाम नफ्सी यानी असल कलाम जो हम तक पहुँचाइए, ये हुरूफ की शक्ल में ढला हुआ है। तो एक फरीक, वो फरीक आज भी बाकी, अल्लाह के कलाम को मखलूक मानो, अकीदा है कि अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है। जो मखलूक होती है उसको फना होना है, जो मखलूक होती है उसको फना होना है। हर चीज़ मखलूक ने पैदा हुई, खालिक ने उसको पैदा किया, पैदा हुई, पैदा हुई जो जिसका वजूद है उसका एक दिन फना होना है। तो अल्लाह का जो असल कलाम है, कलाम नफ्सी, ये तो अल्फाज में ढला हुआ आपको मिला सुने, अंजलनाहु फी लिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, ज़बान अरबी में साफ साफ खुल्ला खुल्ला हमने आपको भेज दिया, नाजिल कर दिया, ज़बान में शिफ्ट हुआ। इसमें शिफ्टिंग से पहले की जो कैफियत हकीकत वो अल्लाह का कलाम है, वो कदीम है, हमेशा है, उसको फना नहीं, उसमें रद्दो बदल नहीं। हाँ, ये शक्ल उसको फना है, और आप पुराने होते हैं, बीसों कुरान फटते हैं, करते हैं, आपको मसला बताते हैं, किसी बड़ी बोली में तो डाल दो, अच्छी पाक जगह खोद कर उसको दफन करो, कब्रस्तान में दफन कर दो, या जलाओ उसके राख को, ये कर दो। किसको जला रहे, किसको दफन कर रहे? तो ये कैफियत, ये मखलूक है। किसी भी लैंग्वेज के रोमन लेटर्स में आप इसको लिखते भी हैं, लिख भी सकते हैं आप,
बल्कि लैंग्वेज में माना में शिफ्ट भी करते हैं, जैसा हम उर्दू में बोल रहे हैं लिख रहे हैं, इसके ऊपर है। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम किए, ये हमारे कलाम के जैसा, हमारे हरूफ के जैसा नहीं, और उनके समझने में भी कोई मुश्किल नहीं, उनमें वो इस्तेदा ताकत सलाहियत उसका रोल्ड भी नहीं। बस इंतहाई इख्तसार के साथ बड़ी तवील 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 बहसें, उसमें उसूल पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद फिर आप इसमें उस समंदर में छलांग लगाना पड़ेगा। पैराकी की ताकत हो तो तैर सकते हैं, नहीं तो डूब कर मर सकते हैं। ताकत पैदा करे तो समंदर वो चीज़ है जिसकी गहराई में हीरे मोतियाँ भी हैं। कमाल रखे तो जा कर लाओ, ऐसी छे नहीं है, हैबतनाक मौत है, बर्बादी भी है। जब इसते इश्तियाक में थे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, अब इस कैफियत में मिले, बे इख्तियार आपके सीए निकल गया, रब्बी पूरी तरह मानो से अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, सारी दुनिया से बेखबर है, अल्लाह की बारगाह में मौजूद है, बे इख्तियार हुक्म नहीं हुआ, इजाज़त नहीं हुई, खते कलाम के जैसा फौरन दरख्वास्त कर बैठे, रब्बी मेरे रब, दुआ में रब के लफ्ज़ की तकरार करना, ये बात याद रखिए, दुआ की कबूलियत की चीज़ों में से रब्बना रब्बना या रब्बी रब्बी की जितनी तकरार होंगी, हदीस शरीफ में क्या हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत पर कम से कम 5 मरतबा रब्बना तो बयाना होगी, रब्बी बोलो या रब, जमा की शक्ल में तो रब्बना, वाहिद की शक्ल में तो रब्बी, कभी आप फ़र्क किए बग़ैर वाहिद भी दुआ करें तो रब्बना। सूरह आले इमरान के आखिरी आयतों में जो है ना 5 मरतबा अल्लाह ताला खुद रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला से शुरू करके 5 मरतबा जिक्र कर कर फिर अल्लाह ने फरमाया फस्तजाब लहुम, बात है कि होते कंपल्सरी। तो उसके बाद अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। तो सहाबा ये फरमाते हैं, सहाबा को तालीम मिली है, अकल मिली है, फिक्र मिला है, कुरान मिला है, कुरान की रूह मिली है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसने 5 मरतबा दुआ में रब्बना कह देता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं, यकीन अकीदा रखना है। तमाम पैगंबर बा बा रब 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 रब। आज के जुमा में करीब करीब इसी की तफसील पेश की गई, झगड़े रुबूबियत के हैं, अल्लाह का इंकार किसको है, कोई एक तो अल्लाह दुनिया में, मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, अकल फिक्र नहीं तो है ऊपर है बोलता, वो है ना ऊपर वाला जो हमारे ऊपर है ना, बस इस लिहाज से तो अल्लाह कहता, अल्लाह का किसको इनकार है, अल्लाह जो रब है रुबूबियत के अंदर जो फ़र्क कर रहे हैं, वो बिगाड़ को दूर करना है, ये बिगाड़ को सुधारने के बाद फिर रब रब के साथ लगो। बे इख्तियार मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया रब भी मेरे रब, अरे नहीं जरा मुझे नज़र तो आ जाओ ना, मैं देख ले तो ना, अरे नहीं मैं आपको देख भी लेता हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके रूबरू हूँ और आपसे ही हम कलाम हूँ, कोई शक व शुबा नहीं, कोई शैतानियत नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी तरह आपके पास हूँ। बेख्तियार निकल पड़ा अरे नहीं रूयत से, इम्पेरेटिव का सिगा हो जाता अमर का, अरे नहीं मुझको दिखला दीजिए ना अपना वजूद, अजीब सवाल कर बैठे आप, करके बोले अंजुर, अब मैं देखना चाहता हूँ, इन आँखों से देखना चाहता हूँ,
रुयत में देखकर दमाग से पूरी कैफियत महसूस करना रुयत है। नजर इन आंखों से देखना, मैं इन इस दुनिया की अपनी इन आंखों से आपको देखना चाहता हूँ, जरा नजर भी आ जाइए ना, खुर्ब तो हासिल हो रहा, हम कलामी हो रही, अब सिर्फ बाकी रह गया मरहला, मुशाहिदा भी हो जाए, देख भी लें। इलाही कहा कि मैं आपको देख कर तवज्जो से देख लूँगा। अल्लाह ने फरमाया लन, एक नो होता एक नेवर होता, जब नेवर का संसन आता तो अरबी में लन हो जाता, प्रेजेंटेंस पे लन तरानी हरगिज हरगिज ऐ पैगंबर मूसा, नहीं देख सकते जी तुम, नहीं देख सकोगे, नहीं देख सकोगे। कुरान में कहे कि चल रहा है मसला, पारे नौ है और यही मसला हल्के फुल्के अंदाज में पूरी तफसीर के बगैर पारे आठ की आखिर आयतों में भी हल्की फुल्की तफसीर हुई है, पूरे मसाइल नहीं बताए गए आपको। रुयत बारी ताला इस आलम के अंदर इंसान इन आँखों से, वहाँ गुजरी थी बात, इन आँखों से तो इंसान इस दुनिया में नहीं देख सकता। ला तुद्रिकुल अबसार, अल्लाह का हुक्म है, जितनी नजरें हैं किसकी भी, कोई नज़र अल्लाह का इदराक कर नहीं सकती, ये आँखों में पकड़ आ नहीं सकती। ये 100-200 वाट के गोले में आप हैं, हजार बत्ती का गोला एकदम आपके चेहरे पर डाले तो आपकी ये बिना भी जरे जरे के लिए हट जाती, गिरफ्त हो ही नहीं सकती। जबकि सारी कायनात कायनात सबका वल्लाह नूरु समावाती वाला, तो तुम्हारी नज़र टिकेगी कैसे, जमेगी कैसे, देखोगे कैसे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम देख नहीं सकते जी मुझे, नहीं देखोगे। अब रुयत में बहुत बड़ी सैकड़ों सफ़त की बहस है, सकते हैं नहीं सकते हैं फला सकते हैं, ये भी मजहबी मसाइल हैं, मजहबी झगड़ों में भी दाखिल है ये। हाँ रसूलुल्लाह सब ने देखा, फला देखा, कहाँ देखा, कब देखा, अजी मेराज में देखा, झगड़े की बात इस नहीं, आसान तशरी है। मेराज कहाँ हुई, घर के अंदर हुई, ज़मीन के अंदर हुई, वन कोटरी में हुई, आसमानों पे हुई, आसमान ये दुनिया है क्या, ये आलम नहीं, झगड़ने क्या बात है, अगर वो रुयत हुई तो इस आलम की बात नहीं, वो आलम की बात है, वहाँ इनकार कहाँ है। कुरान कैसे करता है, मज़हब भी पेश करता है इस आलम के बाद, उस आलम में सबसे बड़ी नेमत जो बंदे को मिलेगी तो अल्लाह का दीदार ही होगा, अल्लाह की रुयत होगी मोमिन बंदे को, वो तो आप सारे जन्नतों को भी पार करके सिदरतुल मुंतहा को पार करके फिर रफ रफ के ज़रिए से अर्श के करीब तक पहुँचे थे, वहाँ वहाँ की बात हो रही रुयत की, तो ये आलमिश नहीं है, ये अजबाबिश नहीं है, बात यहाँ की चल रही, उस अजबाब की है तो वो कैफियत होंगी। सवाल हुआ ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने सिर्फ इतना जवाब दिया, हुआ नूरुन अन्ना अराहु, हुआ नूरुन इन्नी अराहु, जेर जबर पेश नुक्ते लिखत किताबत के तरीके आपके होते गए, अलीफ नून या, अलीफ नून या अरबी में एक वर्ड है, जब इन्नी लिखना है आपको आई एम बोलना है तो इन्नी बोलते, अन्ना उसी को लिखते अलीफ नून या नून तजा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, उस माना के लिए भी ये वर्ड, ये इन्नी दो वर्ड का मिला हुआ है, अन्ना परमानेंट एक मुस्तकिल वर्ड है, ये कैसे। अब उस हदीस में डिवाइड होते हैं, पढ़ते हैं
अन्ना पढ़ते हैं। अल्लाह ताला तो एक नूर है, उस नूर को देखना ये कैसे हो सकता है जी? अब तर्जुमा ऐसा हो गया। दूसरा जब ये पढ़ते हैं वह नूर अन्नी आ रहा हो, बस एक नूर है मैंने देखा है, ये तावीलात की जरूरत ही नहीं, ये आलम की बात है ही नहीं। सारी चीज़ें इस दुनिया के हद तक की चल रही हैं, दुनिया से जमीन से सब करते हैं, वहाँ तस्करा आसमान दर आसमान का तस्करा है, सातों आसमान की बात है, उसके ऊपर सिदरा की बात है, सिदरा के बाद फिर रफ के जरिए से अर्श तक की बात है, वो बात दूसरी है। आपको मानो हाँ या ना चल रहा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मूसा नहीं देख सकते, जब तुम्हारी जिद है देख तो ठीक है, पहले इस कैफियत में हमारे मुशाहिदा तो बात की बात है, हमारे जलवे की एक तजल्ली, अगर ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती है तो समझो कि तुम भी देख सकते हो। फिर उसके बाद पूछो मैं देखता हूँ नहीं देखता। इंसान एक नाजुक बदन वाला बड़ा पहाड़ मजबूत करते ऐसा है, अल्लाह ने फरमाया हम अपनी एक तजल्ली, पूरा मुशाहिदा नहीं, हम अपनी एक तजल्ली इस पहाड़ पर डालते हैं, तुम पहाड़ पे नज़र जमाओ। अगर ये तजल्ली पहाड़ पर जम जाए यानी पहाड़ पे कुछ ना हो, जूँ का तुम सॉलिड रहा, तो फिर वो तजल्ली जुहूर की तुम तक भी होगी, तुम देख सकोगे। पहले ये तो देख लो, अब तफसीलात नहीं बताता क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, कैफियतें तब्दीली उससे पहले अजीब अजीब वजह तफसीलात हैं। इस पहाड़ को देखो आप, पहले सखर रहा, अगर ये पहाड़ इस्तकरार हो जाए, टिकावा रहे, कुछ ना हुआ हिलाने कराने, छह जल्दी से पहले ही दिखा के पूरा पहाड़ मूसा कुछ लेके उठता हुआ नजर आ रहा, मकान अपनी जगह पे टिका हुआ है, हिलना नहीं हरकत नहीं करना, तो फसा पता नहीं, तो फिर उसके बाद फिर आप मुझे भी देख सकेंगे। फलमा तजल्ला रबू, चुनाच अल्लाह तबारक तआला अपने जलाल की तजल्ली वाली कैफियत में उस पहाड़ के पास जाहिर हो गए, यानी तजल्ली पड़ी। अब उसकी वजह तफसील नहीं, 70,000 हिजाबात में से एक हिजाब वाली कैफियत, उसमें से एक मामूली किरण नूर की वो तजल्ली आप पर पड़ी थी वजाहतें मुख्तलिफ। जा लहू धक्का, तो बस इस तजल्ली रब ने बड़े भारी भरकम पूरे पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहाड़ टुकड़े हो रहा तो फिर कैसी आवाज है? फिर दीवार गिरती है तो कितनी आवाज़ आती है? दूर दूर तक रहने काफिलों की गफलत को हटा कर तवज्जो मोड़ देती है। जमीन 7 पॉइंट हिलती है तो फिर सारे चीज़ों का सब पर नक्शा बदल के रख देती है, भयानक आवाज़ आती है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका धक्कन धक्का टुकड़े कूटने के मैं टुकड़े टुकड़े टुकड़े, अब किसी ने रेजे रेजे कूटने के टुकड़े टुकड़े, उसकी बड़ी तफसील है। वो टुकड़े होके उधर गए, वहाँ हुए, यहाँ हुए, बाद उसके अलामतें मक्के में भी हैं, बाद मदीने में भी हैं, ओहद का पहाड़ भी उसी का हिस्सा है। ये सारी तफसीलात हैं, कुरान उसकी तफसील पेश नहीं करता। ठीक है, अगर वो सुनकर मान भी लें तो एक कौल के पर रहना, उन्हें उजवाते कहता तो फिर किसके पर? वो खर्रा मूसा सहीखा, उस वक्त जो कैफियत थी, धड़ से मूसा अलैहिस्सलाम होश खो कर गिर पड़े। उससे गिरना खर्रा कहते हैं, कोई उठाकर ऐसा पटक दिया, होश नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ पता नहीं, होश भी चले गए। अकल काम करना बंद कर दी, समझ हट गई, कोई ताल्लुक रागता नहीं। ये आप में अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद दिया था तो ये हुआ,
इस वास्ते का एक दूसरा पहलू परेख में गुजर चुका, इसमें भी आने वाला है। अब एक वरख के बाद आने वाली, बाद में कौम ने जिद की थी 70 अपराध को, तो वो तो ये तो कुछ देर तक मुशाहिदा करे पहाड़ का, उसके बाद फट से गिर पड़े होश हवास खोकर। वो 70 के 70 सलाहियत वाले, पाबंद सौम सलात, पाबंद जिक्र, ऐसे मुंतखब 70 आदमियों को लाने के बाद वो तो उनकी रूह परवाज होकर चले भी गई, मर भी गए। अभी एक सफेद बात तफसील आएगी। फिर उसके बाद जब इफाका हुआ, अकल पलटी, समझ आई, बे इख्तियार आपने फरमाया तेजी के साथ सुभानका। गुस्ताखी ये थी आपकी इजाज़त के बगैर, दिखिए ना मैं देख, तो मुतालिबा मैंने कर दिया। आपके ज़ात हर चीज़ से पाक है, दिख सकते हैं आँखें पकड़ सकते हैं, ये समझा था। ये भी थोड़ी सी गुस्ताखी जैसी कैफियत थी, क्या मैं तो समझाता, अपनी आँखों के अंदर आ जाने वाली ज़ात है। तुब तो ये लय का अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और आपके आज़मत व किबरियाई बड़ाई का अब इकरार करने वालों में सबसे पहला मैं बनता हूँ, आपकी उम्मत के लिहाज से आप ही पहले हैं। ईमान यकीन था, तो मुशाहदे वाली कैफियत थी रब की ज़ात की। बड़े परेशान भी थे, अल्लाह ने इत्मीनान दिलाया, ऐ मूसा ये जिद हटो, हटा दो, सुनो मैंने तुमको बड़ा चुन लिया ना, सारी दुनिया के इंसानों में तुमको बड़ा ख़ास मकाम दिया ना, सफ़ा से है मुस्तफ़ा, सफ़ुन माने सफ़ाई, अरबी का लफ्ज़ उर्दू में भी आया, वो एक शहर में चेंज होते उस पर तेज आकर तय हो जाता, वो जो ताज हुआ है हकीकत में तय है, मुस्तफ़ा मुंतखब चुनिंदा, आपको मैंने चुन लिया है ना जी। अलन्ना से सारे लोगों को ये फजीलत नहीं देना, ना सारे लोगों में अंबिया भी आ गए ना, अंबिया से रास कलाम नहीं किया ना, फिर इससे आगे कहीं मुतालिबा कर रहा हूँ, ये एक बात। लेकिन ये शान सुन चुके थे और फजीलत आखिरी जमा पैगंबर की, हर नबी को 124,000 अंबिया में सब में से हर नबी को अल्लाह इकरार लिए कि एक पैगंबर आखिर का आने वाला है, उसको मानो तुम, ये मानो तुम, इतना बड़ा एहतमाम है इस उम्मत के लिए, हमारे पैगंबर के लिए। वो कैसा होगा ये भी बताया गया, इसी चीज़ को छुपाया, रद्दबदल किया यहूदियों ने, नसरानियों ने, उसी की बुनियाद पर इस्लाम से खारिज हैं वो, उसी की बुनियाद पर मज़हब इस्लाम का इनकार करते हैं। उनके दर्जे को गिराने वाला चीज़ है ये मज़हब इस्लाम, बस उसको अपनी कसर शान समझकर मुखालिफत हर शोबे में मुसलमान से करते हैं। अय मूसा, तो आपने ये भी दुआ कर दी, ठीक है मुझे उम्मती बना दीजिए आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमको तो मैं तमाम लोगों पर रिसालत भी तो दिया ना, वैसे तो रसूल भी मुंतखब किया ना, फिर दूसरे कमाल भी कलाम ही, कलाम किया ना मैं, कौन से पैगंबर से किया, किस इंसान से किया था, तुमसे किया ना, इतनी बड़ी शान फजीलत दिया ना, इस पर इक्तफा करो। अब जो मकसद के लिए है वो बात आगे बढ़ो, ये मकसद बीच में उठाए तुम, मैं देखता हूँ पना करता हूँ, मसाइल अपने लिए खड़ा कर लिया, फखुज ले लो, माँ आते चुका, अब जो मैं दे रहा हूँ ले लो, कुन फैकुन के जरिए से अल्लाह का ये हुआ, उसका एक बहुत बड़ा मंजर है, बदल तौरात दी गई पहाड़ के ऊपर, इस वजात करते हैं कि जमरूद पत्थर की किस्म है,
जिसके रिंग्स वगैरह भी बनाते कि जमरूद के से चट्टान पूरे 10 गज लंबा तख्ती सिलेट्स लंबा जब है तो चौड़ा भी कुछ नहीं, बस आप मुशाहदा करते रहे खुद ब खुद तजल्ली पड़ते दर 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 लिखे जाता कुदरत से, सारी कुदरत काम कर रही थी। ऐसे 10 तख्तियाँ उसी को कहते 10 कमांडमेंट्स। ताकत नबूवत भी अल्लाह ने अता किया था, फिर वैसे कभी भी थे आप खुद 10 गज लंबे थे और किसी के सहारे के बगैर, कोई मजदूरी के बगैर, कोई ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं किया, दूर दराज पहाड़ों से कौम के पास पूरे के पूरे 10 तख्तियों को उठा कर लेकर भी आया। जब कौम की हालत बदली हुई देखे उसकी तफसील भी आएगी, इस बारे में नहीं आ रही, दूसरे बारे में थोड़ी सी आएंगी। गुस्से में जो नीचे एकदम रखे थे एक तख्ती टुकड़े भी हो, टुकड़े होते एक तख्ती उसी वक्त फौरन फिलफौर सबके सामने जर एक कैफियत पैदा होगी, आसमान की तरफ गायब होगी, सिर्फ 9 तख्तियाँ बची। बहरहाल कुरान को इस तरीके से दिया था अल्लाह ने उनके लिए, हमको कुरान देने की शक्ल अलग थी, सबको एक साथ किताबी शक्ल दी, किताबें कोई की शक्ल थी तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को इस शक्ल में पूरा कुरान दिया गया था, उसी का जिक्र है। अब ले लो वकुम मिन शाकिर, इसी के ऊपर शुक्रगुजार बनकर रहो। अब इस तख्ती में क्या था, अल्लाह खुद वजात के इसमें ऐसा ऐसा है, आप पकड़ना, आपकी उम्मत को ऐसा करना, ये करना, नेक आदमी इख्तियार करेगा, बुरा आदमी को ये क्या सारी दुनिया भी बता दें, मुर्दों को उठा के बता दें, नाफरमान नाफरमानिश करता, ये वजात अगली आयत होगी।